मैं तनय किशोर मिश्रा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि पाइथन कैसे इंटरनली वर्क करता है। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी ये सीख लिया था कि पाइथन बेसिकली है क्या, इसके फीचर्स क्या हैं। उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए हमारा ये सेशन जो है PVM यानी कि पाइथन वर्चुअल मशीन हमारा इंटरनली कैसे वर्क करता है, इस पर हम फोकस करेंगे। नॉर्मली हम बोलते हैं कि पाइथन क्या है, पाइथन इज ए इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। बट इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज होते हुए भी अल्टीमेटली ये पहले कंपाइल होता है, कंपाइलेशन के बाद इंटरप्रेटर के पास जाता है। तो इस चीज को कैसे हम यहाँ पे समझेंगे, इस चीज को देखिए। स्टार्ट क्या होता है, सबसे पहले हम सोर्स कोड, कोई भी एक प्रोग्राम लिखते हैं, उस प्रोग्राम का एक नेम होता है। सपोज हमने एक प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम को सेव किया कोड स्क्वायर .py के नेम से। पाइथन के प्रोग्राम को हम सेव करते हैं .py से, इट्स रिकमेंडेड बट नॉट मैंडेटरी। ये कंपल्सरी नहीं है कि हम उसको .py से ही सेव करें, हम किसी भी एक्सटेंशन से इसको सेव कर सकते हैं। एंड व्हेनेवर वी कंपाइल दैट इट कैन कन्वर्ट। तो एक हमने प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम को हमने क्या किया, सोर्स कोड हम कहते हैं। नॉर्मली जब कोई भी कोड लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सोर्स कोड, यानी कि कहाँ से ओरिजिन हो रहा है। उस ओरिजिनेशन को पाइथन के कंपाइलर से कंपाइल करते हैं तो वो कन्वर्ट होता है किसमें, बाइट कोड में। और ये बाइट कोड में कन्वर्ट होने के बाद उसका एक्सटेंशन हो जाता है .pyc, यानी कि पाइथन कंपाइल्ड कोड। तो इसका नेक्स्ट नेम क्या हो जाएगा, कोड स्क्वायर .pyc। अब ये जो हमारा बाइट कोड है, बाइट कोड मशीन नहीं समझ सकता, मशीन केवल क्या जानता है, 0 और 1 के फॉर्म में। तो उस बाइट कोड को अगेन इंटरप्रेटर के पास हम लेके जाते हैं, और यही इंटरप्रेटर जिसको कि हम कहते हैं PVM, यानी कि पाइथन वर्चुअल मशीन। पाइथन वर्चुअल मशीन क्या है, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट है। जैसे हम इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या हुआ, हमने कहा विंडो। विंडो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट है, लिनक्स एक इन्वायरमेंट है, उस पर हम वर्क करते हैं। बट पाइथन आपके डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क नहीं करता है, वो वर्चुअली एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है जिसको कि हम PVM कहते हैं, पाइथन वर्चुअल मशीन। उसी वर्चुअल मशीन के पास इंटरप्रेटर होता है, और जो हमारा बाइट कोड कन्वर्ट हुआ था, ये बाइट कोड इंटरप्रेटर के पास जाता है, और इंटरप्रेटर क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद ये बाइनरी मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर दिया उसने, बाइनरी कोड, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में आपको कन्वर्ट होके मिल गया। अब ये जो बाइनरी कोड हमको मिला, इसको कंप्यूटर, यानी कि जो आपका हार्डवेयर है जिसपे हम वर्क कर रहे हैं, आइदर इट्स अ लैपटॉप, डेस्कटॉप, एनीथिंग, वहां कंप्यूटर पे अब हमारे पास आउटपुट आ जाता है। जैसे सपोज हमने एक कोड लिखा, कोई भी कोड हम लिखते हैं, लाइक सपोज हमने यहां पे लिखा प्रिंट हेलो। अब ये प्रिंट हेलो क्या हुआ, मेरा सोर्स कोड हुआ। इस प्रिंट हेलो को पहले कंपाइलर कंपाइल करेगा और कन्वर्ट करेगा बाइट कोड में। बाइट कोड क्या करेगा, PVM को दे देगा। PVM यानी कि इंटरप्रेटर, इस इंटरप्रेटर को वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा बाइनरी कोड में, और आपके सिस्टम पे केवल आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, हेलो आएगा। फाइन, तो ये जो है हमारा कॉन्सेप्ट, इसी को हम कहते हैं इंटरनल हमारा जो प्रोसेसिंग का, पाइथन कैसे वर्क करता है, ये चीज हम यहां पे इजीली इसको कर सकते हैं। फाइन, नाउ देन, अब हम कोई भी जब सोर्स कोड लिखते हैं तो सोर्स कोड के लिए जरूरी है कि हमारे पास कुछ ना कुछ उसके बैकबोन, यानी कि जिसको कि हम ग्रामर कहते हैं। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिखने के लिए और इवन स्पोकन के लिए, बोलने के लिए हमारे पास कोई ना कोई एक नॉलेज बैकग्राउंड होना चाहिए जिसको कि हम ग्रामर कहते हैं। अगर वो ग्रामर हमारे पास है तो हम इजीली अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, ये सारे हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो सेम किसी भी पाइथन प्रोग्राम को अगर हमें वर्क करना है उस पाइथन प्रोग्राम में, तो मेरे पास कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स एंड रेगुलेशन को हमें फॉलो करना होगा। फाइन, फर्स्ट रूल क्या कहता है, पहला रूल हमारा क्या है, लोअर केस, ऑल कोड आर इन लोअर केस। लोअर केस का मीनिंग क्या हुआ,
कि अगर हमने सपोज एक कीवर्ड है, सपोज राम, या कीवर्ड है मेरा प्रिंट, अगर इस प्रिंट को हमने कैपिटल पी आर आई एन टी दिया, देन इट कैन शो एरर। बट अगर यही हमने स्मॉल प्रिंट लिखा तो ये मेरा करेक्ट है। फाइन। तो ये जो है रूल, पहला रूल है, पहला रूल क्या कहता है, ऑल कोड आर रिटन प्रीडिफाइंड, जो कि हमारे इंटरप्रेटर के अंदर इनबिल्ट होता है। पाइथन जब आप स्टार्ट करते हो, पाइथन के अंदर वो कोड आपके ऑलरेडी इनबिल्ट है, वो सारे के सारे जितने भी फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, वो सारे हमारे लोअर केस में होंगे। सेकंड रूल कहता है कि आप अपने प्रोग्राम में कहीं भी, जो यूजुअली अभी तक हमने जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किए, लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, जितने भी, वहां पे हम ब्लॉक को क्रिएट करने के लिए कर्ली ब्रेसेस यूज करते थे, बट ये पाइथन में नहीं यूज होता है। पाइथन में क्या यूज करते हैं हम, इंडेंट, यानी कि आप कह सकते हो टैब स्पेस और सिंगल स्पेस। पाइथन में हम क्या यूज करते हैं, टैब या सिंगल स्पेस। ये इट मींस अगर हमको कोई ब्लॉक क्रिएट करना है तो उस ब्लॉक को क्रिएट करने के लिए हमें क्या यूज करना होगा, टैब या सिंगल स्पेस। लाइक सपोज हमने कहा कि हमको एक प्रोग्राम लिखना है जिस प्रोग्राम में 1 to 10 प्रिंट करना, तो 1 to 10 प्रिंट करने के लिए बेसिकली हमको क्या करना होगा, कहीं ना कहीं से एक आइटरेशन, जिसको कि हम लूप कहते हैं, एक लूप यूज करना होगा, और उस लूप से हमको जनरेट कराना होगा अपने लॉजिक को, और वो लॉजिक हमारे सिस्टम पे आउटपुट को शो करेगा। अगर हम ये आपसे पूछे कि भाई ये बताओ कि 1 to 10 आया कैसे, 1 के बाद 2 ही क्यों आया, 3 क्यों नहीं आ रहा, तो उसके बैकग्राउंड में एक लॉजिक है कि अगर हम एक नंबर में एक नंबर को ऐड करें तो 2 हमको मिलता है, यानी कि 1 + 1 = 2। तो जो हमारा 1 2 3 4 आता है, उसका रूल क्या है कि अगर फर्स्ट प्रीवियस नंबर जो है उसमें हम नेक्स्ट नंबर को ऐड करना है, सेम नंबर को ऐड करें तो 3rd हमको नंबर मिलता है। तो ये रूल हमको अप्लाई करना होगा अपने कोड में, जिसको कि हम लॉजिक कहते हैं। तो लॉजिक बिल्डिंग सबसे जरूरी होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। लैंग्वेज अगर हमें सीखना है, लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना है, इवन अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो, फर्स्ट राउंड जो होता है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ, सेकंड राउंड में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास मशीन टेस्ट आ जाता है। मशीन टेस्ट में जो कंपनियां हैं वो क्या देती हैं, आपको कुछ प्रोग्राम्स दे देती हैं, दे कैन से कि आप इसको सॉल्व कीजिए, सो हाउ यू कैन सॉल्व दैट, यही हमारा लॉजिक है। तो उस लॉजिक को हम कैसे बिल्डअप करेंगे, ये चीज हम आपको अब यहां बताने जा रहे हैं। उससे पहले हम आपको कुछ और इसके प्रोस एंड कॉन्स जो हैं उस पे बात कर लेते हैं। पाइथन का जो करंट वर्जन है, अगर आप पाइथन का जो ऑफिशियल साइट है उसका नेम है python.org, आप उसी से पाइथन को डाउनलोड करेंगे अपने सिस्टम में, करंट वर्जन 3.10 और अपर वर्जन है। अभी आज के सिचुएशन में देखें तो 3.10 हम इसको यूज कर रहे हैं। डाउनलोड करने के बाद बहुत इजी है, मैक्सिमम 1 or 2 मिनट्स में हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और मैक्सिमम 1 or 2 मिनट्स में ये हमारे सिस्टम में कन्फिगर हो जाता है। पाइथन का जो इंटरनल एडिटर है, जिसको कि हम आइडल बोलते हैं, IDLE, उस आइडल के अंदर हम इजिली अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं। इवन पाइथन क्या कहता है कि वी कैन प्रोवाइड यू 1 इंटरेक्टिव प्रॉम्प्ट, जहां पे आपको बार बार प्रोग्राम को सेव नहीं करना है, आप इजिली उस पर काम कर सकते हो और कंपाइल करके उसके आउटपुट को आप ले सकते हो। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लेटर ऑन पार्ट में अभी बता रहे हैं। अभी के लिए थैंक्स।